तो आपका भी घुटने का दर्द नॉर्मल पेन है या फिर PFPS का पेन है, आज इसके बारे में पता। क्या आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त दर्द होता है या आपको भी स्क्वैटिंग करते वक्त दर्द होता है, तो आज पता लगेगा कि आपका पेन नॉर्मल पेन है या PFPS का पेन। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है लोकेशन, कि आपके पेन की लोकेशन क्या है। अगर आपके पूरे नी में पेन है, दैट मीन्स वो नॉर्मल नी पेन है, और नॉर्मल नी पेन मतलब आर्थराइटिस का भी हो सकता है, वो आप अपने फिजियो से कंसल्ट करें। सेकंड चीज़, PFPS का पेन जो कि लोकलाइज्ड होता है और आपके जो पटेला होता है उसके आसपास होता है, जैसा कि मैं ये फिगर में दिखा रही हूँ। क्या आप भी थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते हैं? क्यों? क्योंकि आपको है नॉर्मल नी पेन, तो आप घबराए नहीं, आपका नॉर्मल नी पेन है। अगर आप स्टेयर्स चढ़ते वक्त परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है और आपसे स्टेयर्स चढ़ना ही मुश्किल हो जा रहा है, तो आपको है PFPS का पेन। उसको आज ही ट्रीट कराएं अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट। बार बार नी का ट्विस्ट होना, लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना, लॉन्ग टाइम सीटिंग होना, या फिर ऐसी इन सब से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होना लीड्स टू PFPS। सो आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने फिजियो से। अरे आप घबरा गए? नहीं नहीं नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, ये भी मैनेजेबल है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, फिजियोथेरेपी में इसका इलाज है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा अपने फिजियो के पास। मैं तो यही बोलूँगी, इसको ऐसे ना छोड़ें, आप अभी अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। और अगर आपको कोई ज़्यादा ही परेशानी है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब।